नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप एक क्लिक में 100 सब्सक्राइबर्स से ले सकते हैं, 10 क्लिक में आप 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने चैनल पर ले सकते हैं, ना ही कोई एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, कोई वीडियो को वायरल कर सकते हैं। इस बात को दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम अपने चैनल को कोई गलत तरीके से अगर ग्रो करेंगे तो हाँ, हम अपने चैनल को जल्दी ही ग्रो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने चैनल को सही तरीके से अगर ग्रो करना चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम गलत तरीके से अपने चैनल को अगर ग्रो करना चाहते हैं, कुछ क्लिक बैट यूज करेंगे हम अपने चैनल पे तो जल्दी ही ग्रो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे में आगे जाके हमारी जो चैनल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि हमारा जो चैनल है उसकी मोनेटाइजेशन अनेबल ना हो सकता है कि कोई गलती की वजह से हमारा जो चैनल है उसको यूट्यूब डिलीट कर दे। तो ऐसा काम हमें अपने चैनल पर नहीं करना है, हमें अपने चैनल को सही तरीके से ग्रो करना है ताकि आगे चल के हमारे चैनल पर कोई प्रॉब्लम ना आए और यूट्यूब पर हम अपना जो चैनल है उसको अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब की 3 टिप्स बताने वाला हूँ। अगर ये जो 3 टिप्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अगर तीनों टिप्स आप अपने चैनल पे अप्लाई करते हैं, आने वाली वीडियो पे आप अगर ये जो टिप्स हैं उनका अप्लाई करते हैं तो 100% आपका जो चैनल है वो दोस्तों ग्रो होगा यूट्यूब पे। 100% आपका जो चैनल है वो ग्रो होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और ये जो 3 टिप्स हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली जो टिप्स है वो है कि दोस्तों आप अपने चैनल की जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आपको सबसे पहले अपने जो चैनल की जो कैटेगरी है उसको फिक्स करना है कि आप कौन सी कैटेगरी की वीडियो है वो अपने चैनल पे डालने वाले हैं। अगर आपका टेक चैनल है तो टेक की जो कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग की जो कैटेगरी है वो आप अपने चैनल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके जो वीडियो है वो एक ही कैटेगरी के अपने चैनल पर डालें। आप ऐसा ना करें कि एक कैटेगरी के जो वीडियो हैं वो आपने पहले डाले हैं उसके बाद आपने दूसरी कैटेगरी की डाल दी। ऐसा मैंने भी किया था दोस्तों, अपने चैनल पे कुछ पहले कुछ अलग वीडियो डाले थे और अब मैं कुछ अलग डाल रहा हूँ तो उससे दोस्तों हमारे जो चैनल पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपने अपने चैनल पे एक वीडियो है वो जियो के बारे में डाल दिया और वो वायरल हो गया, उससे आपके चैनल पे अच्छे खासे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आ गए। उसके बाद दोस्तों आपने अपने चैनल पे कोई मतलब कुकिंग से संबंधित कोई वीडियो डाल दिया तो ऐसे में दोस्तों आपके जो जियो वाले जो वीडियो से जो सब्सक्राइब्स आपके चैनल पर आए थे वो आपको जो कुकिंग वाला जो आपका वीडियो है उस पर आप वो नहीं देखेंगे, यानी कि उस वीडियो को वो नहीं देखेंगे क्योंकि उन्होंने अब आपके चैनल को जियो का जो आपने वीडियो बनाया था उसको देख के आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपने चैनल की जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कीजिए कि हमें अपने चैनल पे एक ही कैटेगरी की वीडियो डालनी है, चाहे वो टेक हो, कुकिंग की हो, जो भी हो, एजुकेशन के जो वीडियो हैं। तो जो आप अपने वीडियो डालना चाहते हैं उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए ताकि आपका जो चैनल है उससे ग्रो हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो टिप्स है वो है दोस्तों कि आप अपने वीडियो के अंदर जो ऑडियो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। आपकी वीडियो के अंदर ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपका अगर वीडियो फेस कैम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों आपकी वीडियो में अगर आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो अगर बेस्ट है तो आपका जो वीडियो है वो दोस्तों चलने के चांस रहेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वीडियो होते हैं जिनमें फेस कैम वीडियो नहीं होते हैं, मान लीजिए कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है तो उसके अंदर अगर आवाज़ आपकी ऑडियो जो क्वालिटी है वो अगर अच्छी है तो जो व्यूअर्स है वो ऑडियो की जो क्वालिटी है उसको देख के मतलब उसको सुनकर भी आपका जो वीडियो है उसको समझ लेगा कि हाँ ये वीडियो में क्या कहना चाहता है। तो इससे यहाँ पे दोस्तों आपकी जो ऑडियो क्वालिटी अपने वीडियो के अंदर वो अच्छी होनी चाहिए। आपके पास अगर माइक नहीं है तो दोस्तों आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सस्ते में आपको अच्छे अच्छे जो एयरफोन्स हैं वो मिल जाएंगे। तो आप अपने वीडियो के अंदर ऑडियो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो टिप्स है वो है दोस्तों थंबनेल। थंबनेल है दोस्तों वो आपको अपना जो अट्रैक्टिव बनाना है, आपका जो थंबनेल है वो मतलब एक ऐसा थंबनेल आपको बनाना है अपने वीडियो के लिए ताकि कोई भी अगर आपके थंबनेल को देखे तो फटाक से उसको क्लिक कर दे। यानी कि आप मैंने काफ़ी सारे ऐसे थंबनेल देखे हैं जिनके अंदर दोस्तों छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है, यानी कि उसमें मतलब दिखाई नहीं देता सही तरीके से, क्योंकि YouTube पे जो थंबनेल होता है वो छोटा सा दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों आप अपने चैनल वो जो वीडियो के जो थंबनेल आप बना रहे हैं वो दोस्तों आप
बनाएं तो उसके अंदर आप जो आप टाइप करें वहाँ पे वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए, यानी कि मोटे मोटे अक्षरों में आपको वहाँ पे लिखना है, और आपकी फोटो है वो भी आपको अपने थंबनेल के अंदर लगानी है। ये दोस्तों जो तीनों टिप्स हैं ये अगर आप अपने चैनल पे अप्लाई करते हैं आने वाले वीडियो में, तो दोस्तों आपका जो चैनल है वो 100% ग्रो होगा। तो ये जो तीनों टिप्स हैं वो आप अपने चैनल पे अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगता है मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे एक नए वीडियो के साथ हम